ये लीजिए भैया पानी। ए रुक, तेरा दिमाग खराब है? तू इन गंदे लोगों को उस गिलास में पानी दे रही है जिसमें हम पीते हैं। मम्मा ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कोई जरूरत नहीं है पानी वानी देने की, और वैसे भी ऐसे गंदे लोगों को ना मैं सिर्फ कूड़ा उठाना होता है इसलिए अंदर आने देती हूँ, नहीं तो आस पास भी ना फटकने दूँ अपने। लेकिन तुम यहाँ? वो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे रुकेगी तुरंत चला जाऊंगा। नहीं नहीं तू जाए यहाँ से, सारा गंदा करके रख दिया, काम वाली भाई बस सफाई करके गई होगी। अरे बैठे रहने दीजिए ना मैडम, मैं सब साफ कर दूंगा, बहुत तेज ठंड लग रही है। तू जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं सफाई। कूड़ा, अरे सारा कूड़ा गिरा दिया। मैम इसमें मेरी क्या गलती है? मैम आपकी थैली नीचे से फटी हुई है। अच्छा, एक तो सारा कूड़ा गिरा दिया, ऊपर से गलती भी हमारी है, हैं जुबान चलाएगा तू? मैम आप हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखती है? मैं कोई अछूत थोड़ी ना। ज्यादा ना चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, और तुझे इतनी ही दिक्कत है ना तो कल से आने की भी जरूरत नहीं है, रख लूंगी मैं किसी और को। इसे तो उठा ले अब। हेलो रीना जी, ये क्या गंदगी मचा रखी है आपने? आपके बाथरूम की नाली जाम हो गई है, पूरी दीवार में सीलन आ गई है हमारी। क्या? अच्छा रुको मैं देखती हूँ। आप आज में इसे ठीक कराइए, वरना मुझे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेंट करानी पड़ेगी। हेलो हेलो मैडम, मैंने आपकी सीवेज पाइपलाइन चेक कर ली है, उसमें कोई लीकेज नहीं है। शायद कूड़ा कचड़ा इकट्ठा होने की वजह से वो पाइपलाइन ब्लॉक हो चुका है, और ये काम तो कोई स्वीपर ही करेगा। अरे भैया मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी, अब ये काम भी आप ही कर दो ना, ऐसे ही सुबह से पड़ोसी ने दिमाग खराब कर रखा है। पर मैडम ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो आपको किसी स्वीपर से ही कराना होगा। आप मेरे पैसे दे दो, मुझे दूसरी जगह काम पे जाना है। थैंक यू मैम। भैया प्लीज एक बार आ जाओ, मैं ना सुबह से बहुत परेशान हो गई हूँ, 50 फोन कर लिए, कोई आके राजी नहीं हो रहा। अरे मैडम मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। अरे भैया आ जाओ। तुम फिर से यहाँ आ गए? वो साथ वाली मैम सबसे पता चला आपके घर की नाली जाम हो गई है। हाँ तो? तो आपकी मदद करने चला आया। अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ। मैम नाली से मैंने कचरा निकाल दिया है, मैं चलता हूँ, मेरे को और भी घर में सफाई करने जाना है। भैया सुनो, वो मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, और इस मुश्किल समय में मेरे बिना कहे आप मेरी मदद के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम साहब मैंने तो इंसान होने के नाते आपकी मदद की, पर आप जैसे बड़े लोग पता नहीं क्यों हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मुझे आज पता चला कि कूड़े वाले तो आप नहीं हम हैं,
आप तो सफाई वाले हैं। चलो अब जो हुआ सो हुआ, आपको आपकी गलती पता चल गई, हमारे लिए ये बात। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, कल से आ रहे हो ना सफाई के लिए? जी मैं आ जाऊँगा। It's high time we should understand who is a garbage guy, the one who creates it or the one who picks it. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.